Hello students, welcome to today's maths class. Today we will study our fourth chapter long and short. चलिए start करते हैं. यहाँ पे एक farmer आता है, वो लाली से सात arms के बराबर रस्सी मांगता है. देखते हैं पहले हम arm क्या होता है. ये हमारी arm होती है. arm मतलब ये जो बड़ी वाली finger होती है, जिसे हम middle finger बोलते हैं, इसके tip से लेकर के हमारा जहाँ से shoulder शुरू होता है वहाँ तक का distance. ये हमारा आर्म है. जो फार्मर है उसे इस आर्म का 7 times रस्सी चाहिए और वो लाली से इसका 7 times इसके 7 गुना रस्सी मांगता है. तो लाली क्या करती है, लाली अपने हाथ से जल्दी जल्दी रस्सी नापती है 7 बार और उस आदमी को दे देती है. लेकिन जब वो आदमी उस रस्सी को अपने हाथ पे दोबारा से चेक करता है, यहाँ पे देखो चेक कर रहा है, तो वो लाली से कहता है अरे नहीं ये तो 6 times है बस. लाली सोच में पड़ जाती है, अरे ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो इसे 7 times ऑफ आर्म दिया था लेकिन ये 6 times कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ बच्चों. देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे एक मदर है और एक उसकी डॉटर है. आप यहाँ पे देखो जो मदर है उसकी आर्म की लेंथ देखो और जो उनकी डॉटर है उसकी आर्म की लेंथ देखो. आप अगर इन दोनों आर्म को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा जो मदर का आर्म है उसका लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू उसकी डॉटर के. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो बड़े लोग होते हैं वो उनका हाथ हमसे बड़ा होता है, आर्म हमसे बड़ा होता है छोटे बच्चों से. तो यही चीज़ यहाँ पे लाली के साथ भी हुई. जो आदमी आया था, फार्मर आया था, वो काफ़ी एजेड था और लाली छोटी बच्ची थी. तो जब आदमी ने वही रस्सी जो लाली की थी वो जब अपने हाथ में लगाई तो वो छोटी हो गई. आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, आप अपनी मम्मी और अपने आर्म को कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसका आर्म बड़ा है और किसका छोटा है और अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है. यहाँ पे हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड फॉर मेजरमेंट है. आपको पता है बच्चों पहले के टाइम पे जितने भी हमारे मेजरमेंट के टूल्स हैं वो हमारे पास जब नहीं थे तो लोग कैसे चीज़ों को नापते थे. आपने अपने घर में देखा होगा, अपने जो दादाजी नाना नानी इन सबको देखा होगा, वो कई बार अपने हाथ से नाप के देखते हैं कपड़ों को या किसी भी चीज़ की लंबाई को अपने हाथ से नाप के देखते हैं. तो पहले के टाइम पे लोग इसी तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके चीज़ों को नापते थे. हम इस पर एक एक्टिविटी करेंगे जहाँ पर हम अपने खुद की बॉडी के पार्ट का यूज़ करके चीज़ों को नापेंगे. उसी में से कुछ तरीके यहाँ पे मैंने दिखाए हैं आपको. इसे हम लोग हैंड स्पैन बोलते हैं. हैंड स्पैन मतलब क्या होता है, जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है वह उसके टिप से लेकर के जो हमारा थंब होता है अंगूठा उसके उस तक की दूरी जब हम अपने पूरे हाथ को खींच करके किसी भी चीज़ के ऊपर रखेंगे. अभी हम इसे करके देखेंगे एक्टिविटी में. पाम क्या होता है, हमारे हाथ की हथेली, अपनी हथेली को रख करके हम किसी भी चीज़ की लंबाई निकाल सकते हैं. डिजिट क्या होता है, हमारी उंगली, हमारी उंगली के लेंथ से हम लोग किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं. क्यूबिट, क्यूबिट क्या होता है, हमारे जो मिडिल फिंगर होती है, बीच वाली जो फिंगर होती है हमारे हाथ की जो सबसे लंबी होती है उसके टिप से लेकर के हमारी कोहनी जहाँ पे शुरू होती है वहाँ तक की दूरी को हम लोग क्यूबिट बोलते हैं. पेस, जब हम जमीन पर चल रहे होते हैं एक कदम की दूरी को हम लोग पेस बोलते हैं. फुट स्पैन, फुट स्पैन का मतलब है हमारा जो पैर होता है, पैर फुट जो होता है उसमें हमारे हील से लेकर के टिप ऑफ द थंब इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग फुट स्पैन बोलते हैं. आर्म स्पैन, आर्म स्पैन का मतलब है जो हमारी सबसे बड़ी वाली फिंगर होती है उंगली की बीच वाली उसके टिप से लेकर के दूसरे हाथ की बीच वाली उंगली के टिप तक की दूरी को हम लोग आर्म स्पैन बोलते हैं जब हम इस पोजीशन में खड़े होते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग लेंथ को नापा करते थे पहले, आज भी हम लोग कभी कभी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. चलिए बच्चों अब एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम आपको अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करके कैसे हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं या नाप सकते हैं किसी भी चीज़ की, वो हम करके देखते हैं. ये पता है आपको कौन है ये सारे, ये सारे हैं एवेंजर्स. एवेंजर टॉय बॉक्स का लेंथ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड. तो मैं आपको हैंड स्पैन करके दिखाऊंगी. ये मेरा हैंड है, अब मैं आपको इसमें हैंड स्पैन करके दिखाऊंगी. हैंड स्पैन क्या होता है बच्चों, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द
टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, सबसे छोटी वाली फिंगर के टिप से हमारा जो थंब है उसके टिप तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग हैंड स्पैन बोलते हैं। तो ये हमारा टोटल एक हैंड स्पैन है। अब हम देखते हैं ये बॉक्स हमारे कितने हैंड स्पैन हैं। वन हैंड स्पैन एंड टू हैंड स्पैन। सो द लेंथ ऑफ दिस टॉय बॉक्स इज टू हैंड स्पैन। अब बच्चों ये हमें एक मैट दी है, हमें इस मैट की ये वाली जो साइड है इसे हम इसकी ब्रेथ बोलेंगे और जो ये वाली साइड है इसको हम इसकी लेंथ बोलेंगे। तो हम लोग इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं अपने फुट स्पैन का यूज करके। वन फुट स्पैन, टू फुट स्पैन, थ्री फुट स्पैन, फोर फुट स्पैन एंड फाइव फुट स्पैन एंड लिटिल मोर देन फाइव फुट स्पैन। इसी को हम पेस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पैर रखेंगे, एक कदम, दो कदम और दो कदम से थोड़ा ज्यादा। अब मैं इस एवेंजर बॉक्स को आपको क्यूबिट की हेल्प से मेजर करना बताऊंगी। क्यूबिट क्या होता है, जो हमारा एल्बो होता है यहाँ से लेकर के हमारे सबसे मिडिल फिंगर के टिप तक का डिस्टेंस। तो हम इसको इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे एल्बो को, तो ये हमारा वन क्यूबिट से छोटा है। दिस अवेंजर बॉक्स इज लिटिल स्मॉलर देन आवर वन क्यूबिट। तो बच्चे अभी हमने कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट देखे थे, अभी मैं आपको और मेथड्स दिखाती हूँ। दिस इज आर्म स्पैन, डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ मिडिल फिंगर ऑफ वन हैंड टू टिप ऑफ मिडिल फिंगर ऑफ अदर हैंड। सो दिस इज आर आर्म स्पैन, यहाँ इस वाली मिडिल फिंगर के टिप से लेकर के दूसरे वाले हाथ की मिडिल फिंगर के टिप तक जब हम हाथ को ऐसे स्ट्रेच करते दोनों हाथों को। सेकंड है पेस, पेस मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। पेस का मतलब है द डिस्टेंस दैट यू मूव व्हेन यू टेक वन स्टेप, जितना एक स्टेप लेने में आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसे एक पेस बोलेंगे। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को जब मेज़र करना हो तो आप उसको कितने स्टेप में कंप्लीट करेंगे उससे आपको उसका डिस्टेंस पता चलेगा। ये हम कर चुके हैं हैंड स्पैन, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हमारे पास है हाउ मैनी, इसमें आपको बताना है जैसे अभी हमने कदम से, पेस से, हैंड से, इन चीज़ों से हमने लेंथ का एक कैलकुलेशन किया है। वो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हमने कुछ एस्टिमेट लगाया है। ऐसे ही हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के थ्रू भी हम किसी भी चीज़ की लेंथ का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। जैसे हमें पहले क्वेश्चन में बोला है इन हाउ मैनी स्टेप्स विल डॉर्जी क्रॉस द रोड, तो डॉर्जी कितने स्टेप में ये रोड क्रॉस करेगा, वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। एक स्टेप वो ले चुका है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो ऑलमोस्ट फोर स्टेप में वो क्रॉस कर लेगा रोड को। सेकेंड में बोला हाउ मैनी कप बी प्लेस्ड इन लाइन ऑन दिस टेबल, तो इसमें आपको ये टेबल की लेंथ दी है, इसमें इस लेंथ में कितने ऐसे कप आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम टेबल की लेंथ को कप के थ्रू कैलकुलेट कर रहा है। अगर हमें पता होगा कि ये इस टेबल के इस साइड में कितने कप आ सकते हैं तो हम इसकी लेंथ का एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं मार्केट जाना है तो हम एक कप लेके जा सकते हैं और उसको रख करके बता सकते हैं कि हमारी टेबल कितनी लंबी है, उसी कप के एस्टिमेशन से हम बता सकते हैं। अलग अलग पोजिशन चेंज करके जब हम उस कप को रखेंगे एक के साथ एक लगा के तो हमें पता चल जाएगा कि वो टेबल कितनी लंबी है। तो देखें यहाँ पे कितने कप आएंगे, थ्री कप्स तो ऑलरेडी हैं, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो ऑलमोस्ट सेवन कप। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है पॉट की हेल्प से कि ये ट्री की हाइट क्या है। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स पॉट्स इसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब इसकी हाइट है ऑलमोस्ट सिक्स। हाउ मैनी शर्ट कैन बी हंग ऑन दिस वायर, इस वायर पे कितनी शर्ट्स टांगी जा सकते हैं। शर्ट की हेल्प से हम वायर की लेंथ पता कर सकते हैं, एक शर्ट पहले से टंगी है, टू शर्ट्स, थ्री शर्ट्स एंड फोर शर्ट्स, तो द लेंथ ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ फोर शर्ट्स। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपने घर के आसपास चीज़ों को नापते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको
इसमें पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।